जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या सोने के पहाड़ होते हैं और ये सोने के पहाड़ बनते कैसे हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, ये जो सोने के पहाड़ होते हैं क्या, तो हाँ दोस्तों, सोने के पहाड़ होते हैं। तो ये सोने के पहाड़ बनते कैसे दोस्तों, जब हर युग का अंत शुरू हो जाता है तो जमीन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप होना शुरू हो जाते हैं और जो जमीन के अंदर के जो पत्थर है, जो मलबा है, वो ऊपर आ जाता है और उसके पहाड़ बनते हैं। और जो सोने की खदानें होती है दोस्तों, जमीन के अंदर होती है, और अगर ऐसी खदानों पर अगर भूकंप हो जाता है दोस्तों, तो जो जमीन के अंदर का सोना है दोस्तों, जो सोने की मिट्टी है, जो सोने के पत्थर है दोस्तों, वो ऊपर आ जाती है और उससे उसका पहाड़ बन जाता है। अभी क्या होता है कि सोने के पहाड़ तो जमीन के ऊपर दोस्तों होते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब सोने के पहाड़ दोस्तों बने होंगे तो उस पर क्या हो जाता है कि जो कुछ मिट्टी छा जाती है और कुछ पेड़ पौधे उगते हैं उससे, और कुछ जंगल भी बनते हैं किसी किसी पहाड़ पर। उसी वजह से क्या होता है कि हम उस पहाड़ को पहचान नहीं पाते कि ये मतलब पत्थर का पहाड़ है या मिट्टी का पहाड़ है या सोने का पहाड़ है। और कभी ऐसा योग आ जाता है कि उस पहाड़ को खोदने का काम शुरू हो जाता है, तब पता चलता है कि ये सोने का पहाड़ है। तो दोस्तों, ये सोने की मिट्टी आपके गांव में भी हो सकती है, आपके शहर में भी हो सकती है, आपके राज्य में भी हो सकती है। तो कैसे? बहुत बड़े बड़े भूकंप होने के बाद सुनामी आ जाती है, समुन्दर का पानी सारे धरती पर छा जाता है और जो मलबा रहता है, जो मिट्टी रहती है, वो दूर दूर तक बह जाती है। हो सकता है दोस्तों कि ऐसी जो सोने की मिट्टी है, सोने का मलबा है, वो भी दूर दूर तक बहा होगा और अब उस मिट्टी पर कुछ गांव बने होंगे, कुछ शहर बने होंगे, या किसी के खेत बने होंगे, या कोई जंगल बने होंगे, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।